नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक आईटी सेक्टर कंपनीज के बारे में बात की, मतलब जॉब के डिटेल्स डिस्कशन करने वाला हूँ। और देखिए, इंडिया में जितने सारे आईटी सेक्टर कंपनी है उनमें से टॉप 5 रैंकिंग में जिसका नाम देखने को मिलता है उसका नाम है विप्रो। क्योंकि सबसे नंबर 1 है TCS, उसके बाद इंफोसिस, उसके बाद एच सेल टेक, उसके बाद नाम आ जाता है विप्रो का। कभी कभी टेक महिंद्रा भी नंबर 4 में आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, इस तरीके से कैटेगरीज में आईटी सेक्टर में एक जायंट कंपनी है और इस विप्रो जैसे कंपनीज के ऊपर जॉब ऑफर किया जा रहा है। तो जितने सारे दोस्त इस विप्रो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम में जॉब ऑफर किया जा रहा है। तो आपका जो सपना है आईटी सेक्टर में काम करने का, तो शायद वो सपना इस जॉब के माध्यम से पूरा हो सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। सबसे पहले एक मैं बात बता दूं, इस जॉब को जो डिटेल्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले आप इस जॉब के लिए कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, कुछ रिक्वायरमेंट है उसको जरूर याद रखिएगा। पहले तो वर्क फ्रॉम होम है, इसका मतलब आपके घर में कंप्यूटर होना मस्ट भी चाहिए, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बैकअप भी होना चाहिए, उसके साथ साथ इंटरनेट का भी कनेक्शन होना चाहिए, और कंप्यूटर स्किल भी आपके चाहिए, वो भी बेसिक स्किल जैसे वर्ड एंड एक्सेल, एंड उसके साथ साथ आपका इंटरनेट का भी आपका स्किल होना चाहिए। और ये स्किल आपके पास कम है, ज्यादा है, कुछ भी हो, अगर आप मेरे न्यास सीरीज को देखेंगे जो मेरा 15 साल की कॉर्पोरेट जॉब के एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जाकर आप इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करिए। आप बहुत सारे नॉलेज और स्किल आपको मिलेगा एक्सेल का, उसके साथ साथ आप यहाँ पे ये सारे शॉर्ट सेक्शन वीडियोस को भी देख सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं जॉब के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूं तो विप्रो में जो जॉब ऑफर किया गया है वो टोटली ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, और कुल मिलाकर 2300 से भी ज्यादा वैकेंसीज है, और जॉब जो मिलेगा वर्क फ्रॉम होम, घर बैठे ही जॉब मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, जॉब का जो नेम है वो आप देखेंगे तो एसोसिएट, साथ ही साथ प्रोसेस एसोसिएट का, कस्टमर सर्विसेज के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर, साथ ही साथ कंसल्टेंट एसोसिएट के ऊपर, एंड वॉइस प्रेस हिंदी और इंग्लिश के ऊपर। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज जॉब ऑफर किया जा रहा है। आप जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले चेकआउट करना, उसका कुछ क्राइटेरिया है उसको फुलफिल अगर आपके साथ मैच किए तो ही अप्लाई करना। तो यहाँ पे देखिए, एज लिमिट के बारे में बात करूं तो 18 to 40 ईयर्स तक आपको एज लिमिट दिया गया है। और मैं एक चीज आपको यहाँ पे बता दी, ये जो जॉब है यहाँ पे सिलेक्शन होने के लिए इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इस दोनों तरीके से चीज का रिक्वायरमेंट होता है हमेशा। दोनों आपका रिक्वायरमेंट वाइज सब कुछ है तो दो ही अप्लाई करिए। और सैलरी पैकेज के बारे में बात करूं तो 32,000 से 45,000 तक पर मंथ आपको सैलरी पैकेज मिलेगा। एप्लीकेशन की जो फीस है वो जनरल ओबीसी एसटी एससी के लिए अलग अलग कैटेगरीज वाइज, किसी भी कैटेगरीज में कोई भी चार्जेस नहीं है। कुछ गवर्नमेंट जॉब में हमेशा चार्जेस लिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर में कभी भी चार्जेस नहीं लिया जाता। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है प्राइवेट जॉब में अप्लाई करने के लिए। और देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 10 स्टैंडर्ड, और उसके बाद 12 स्टैंडर्ड, और भी ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड आपका क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई करिए। देखिए, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस जॉब का क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन वाइज आप काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है। तो देखिए, यहाँ पे जॉब का जो डिटेल जो मतलब लास्टेड है, सितंबर से पहले आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के जो लिंक है वो मैं आपको नीचे दे चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूँ तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अप्लाई बटन में जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप जिस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, जिस कैटेगरीज में अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए, अलग अलग कैटेगरीज के जॉब यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करिए। मान के चलिए फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर काम करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करिए। तो इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा, और इस डिटेल्स को आपको भर देना है और उसके बाद फाइनल सबमिट भी कर देना है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका कुछ इंक्वायरी किया जाएगा, कुछ मतलब डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे मांगेंगे। डॉक्यूमेंटेशन मतलब आपका सीवी वगैरह आपको यहाँ पे मांगेंगे। चलो मैं एक ईमेल एड्रेस देकर यहाँ पे आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ। देखिए, जब भी नेक्स्ट किया उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, इसके इस तरीके से कुछ फॉर्म आ जाएगा। तो इस फॉर्म को ध्यान से भर दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका एक अटैचमेंट चाहिए, और वो भी किसका, सीवी का। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आपके अगर पास बेस्ट सीवी का फॉर्मेट नहीं है तो मुझे कमेंट्स करिए और आपका ईमेल एड्रेस भेजिए, मैं आपको
हाँ जरूर मेल करूंगा आपका सीवी को, और उसके बाद बाकी डिटेल्स भरते जाइए, सारे डिटेल्स, आपका नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह, आपका क्वालिफिकेशन, अगर आपका किसी भी जगह पे काम करने का एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस डिटेल्स भी भरते जाइए। सब कुछ भरने के बाद आपको करना क्या है, कुछ अटैचमेंट करना है। तो अटैचमेंट क्या क्या चाहिए आप देखेंगे, तो कुछ अटैचमेंट यहाँ पे मांगा गया है, उस अटैचमेंट को यहाँ पे क्लिक करिए और अटैच करिए, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। तो आई होप वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल चुका है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और कंप्यूटर स्किल के वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।